हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है फ्रूट कस्टर्ड और ये बहुत डिलीशियस बनता है, बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और ये कैसे बनता है ये तो आप लोगों के साथ शेयर करना, ज़रूर बनता है। तो चलिए बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। और इसमें मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हो आप वो फ्रूट इसमें डाल सकते हो, या आपकी जो भी पसंद हो आप वो फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो सबसे पहले फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए क्या करना है, ये आधा किलो मैंने दूध लिया है और गैस को करेंगे ऑन, इसको गर्म करेंगे दूध को। और ये आधा कप जो दूध है वो मैंने अलग से लिया है, ठीक है। ये हमने ठंडा लेना है, यानी फ्रिज का ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर पे। और इसमें मैं कस्टर्ड मिक्स करूंगी। अगर गर्म दूध में कस्टर्ड मिक्स किया तो उसमें गांठें पड़ सकती हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसमें कस्टर्ड मिक्स करूंगी, फिर मैं गर्म दूध में मिलाऊंगी। और बटर स्कॉच का मैं कस्टर्ड यूज करूंगी। तो आपके पास जो भी कस्टर्ड है आप वो यूज कर सकते हो। तो इसमें एक बॉयल आ जाता है और तब तक अपना कस्टर्ड मिक्स कर लेते हैं। ये ऐसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अब ये देखो, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब दूध हमारा गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद हम इसको दूध में मिक्स करेंगे। अब ये देखो दूध हो गया है गर्म। अब क्या करना है, ये आधा कप दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड लिया मैंने। अब गैस को कर देंगे सिम पे और इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे दूध में और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब गैस को कर देंगे मीडियम और इसमें एक बॉयल आ जाए जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अगर इसको चलाना छोड़ दिया तो जो कस्टर्ड है वो पतीले के तली में लग जाएगा और खाने में ना वो बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा। तो इसको लगातार चलाते रहना है। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब क्या करना है, इसमें चीनी डालनी है और जो चीनी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, मैं लगभग इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। अब इसको मीडियम आंच पे रखेंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब ये देखो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब ये देखो ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा करेंगे, यानी इसको रूम टेम्परेचर पे लाके और फिर इसको फ्रिज में रखेंगे। अब ये हो गया है ठंडा, रूम टेम्परेचर पे हो गया है। अब क्या करना है, या तो आपको फ्रिज का ठंडा नहीं खाना तो यहीं पे आप जो भी फ्रूट डालना चाह रहे हो वो मिक्स करके आप खा सकते हो। तो मैं इसमें अभी फ्रूट ऐड करूंगी। ये है मेरे पास मैंगो पल्प, ये मैंने काट के और ऐसे रख लिए। अब मैं इसको मिक्स करूंगी इसमें। दूसरा मैं मिक्स करूंगी अनार, अनार के दाने निकाल लिए थे मैंने और ये ऐड करूंगी। और तीसरा क्या करूंगी, अंगूर। आपके पास जो भी फ्रूट हो आप वो ऐड कर सकते हो इसमें, जो भी आपकी पसंद हो। अब इसको मिक्स करेंगे। अब या तो इसको ऐसे कैसे सर्व कर सकते हो या इसको फ्रिज में रख के बिल्कुल ठंडा करके खा सकते हो। और ये कस्टर्ड हो गया हमारा रेडी। ये बहुत डिलीशियस बना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करना।
और बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट एक स्वीट डिश है, तो आप ये ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे, किसी नए कंटेंट को लेके आती हूँ, होती हूँ आपके सामने रूबरू। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल देन, टेक केयर, बाय बाय।